कि सीकर के अंदर अभी एक बदमाश की हत्या हुई। सही बात है। 24 घंटे के अंदर मुस्लिमों को पकड़ लिया, हत्यारों को पकड़ लिया, तुरंत उसी पकड़ लिया। 15 दिन पहले मेरे भाई के साथ, कार्तिक के साथ मारपीट हुई, उसके हाथ पर थोड़े गए, फायर हुई। आपने कब गिरफ्तार करा? मरने के बाद। अफसोस की बात है, आप लोग क्या कर रहे हो? हमारी शिकायत सिर्फ ये, हम यहाँ क्यों है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? बैठ जाओ। जिनके पास हमारा परिवार नहीं है? आप बताइए, अगर आप ढंग से कार्रवाई करते तो क्या हम यहाँ होते? हम होते ही नहीं। यहाँ पर मजबूर है, आपकी वजह से हम लोग यहाँ आए, हमारे बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आए। अगर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देंगे तो क्या हम यहाँ रुकेंगे? क्या हम यहाँ बैठेंगे? दूसरी चीज, आपने ये कही कि हमसे कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ाएगी, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी गई। भाई साहब, हमसे कहाँ गड़बड़ाएगी? हम तो शांति वाले, फिर संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप हम पे इल्जाम क्यों लगा रहे? दूसरी चीज, बोला बैरिकेड, आपने यहाँ आकर के हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे? हम तो नहीं कर रहे ना, कर रहे भैया हम तो। शांति व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा भाई? भैया बताए आप लोग, कौन बिगाड़ रहा है शांति व्यवस्था? कौन बिगाड़ना चाहता है शांति व्यवस्था? हम तो नहीं बिगाड़ना चाहते, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं साहब। बड़ा अफसोस की बात यह है कि 4 दिन 5 दिन उसकी बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि वो बॉडी यहाँ पे लेकर के आए, इमीडिएटली जो है हत्या करने वाले को अरेस्ट करें और हमें